जय साथियों, आज हम आपके सामने इस वीडियो में टीजीटी से संबंधित सभी सवालों के जवाब आपको देने और बताने का प्रयास करेंगे। अगर अभी तक आपने आवेदन कर लिया है या आवेदन करने जा रहे हैं, उसके साथ साथ आपके परीक्षा में बहुत सारे सवाल आते हैं। कौन कौन सा विषय चयन करें, बालक वर्ग क्या होता है, बालिका वर्ग क्या होता है, ग्रेजुएशन में या इंटरमीडिएट में हमारा कौन सा विषय होना चाहिए, बीएड जरूरी है या नहीं, टेट सीटेट उत्तीर्ण होना ना होना इस भर्ती में कोई मतलब नहीं होता, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो आपके मन में आते हैं, जो आपके मन में हो उन सभी सवालों का जवाब दें। क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, किस विषय में हमें फोकस करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका एक या दो विषय में वे आवेदन कर सकते होंगे या करने के योग्य होंगे, उनके मन में समस्या आ रही होगी। विज्ञान वर्ग क्या है, जीव विज्ञान वर्ग क्या है, और साथ ही साथ इसकी भाषा क्या होगी, किन में पद ज़्यादा हैं, किन में पद कम हैं, EWS का प्रयोग कब करना है, OBC, SC, ST, जनरल आरक्षण क्या होगा, इसमें आरक्षण का प्रावधान क्या होता है, ये भर्ती प्रक्रिया कितने समय तक पूरी हो सकती है, ऐसे तमाम सारे सवाल आपके मन में होंगे। उन सभी सवालों का जवाब होगा इस वीडियो में। केवल हम TGT की बात करेंगे, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक की ही बात करेंगे। परीक्षा का लेवल क्या होगा, अभी इस बार जो पेपर होना है वो किस मूड में होना है, ऑफलाइन मूड में ही होना, ये भी आपको पता है, लेकिन साथ ही साथ सेव स्कोर क्या हो सकता है, कौन सी किताबें आपके लिए किस सब्जेक्ट के लिए बेहतर होंगी, सभी विषयवार उनका जो सिलेबस है वे सभी आएंगे। लेकिन उसके लिए आप सभी साथियों को इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा ताकि हम आपके सभी सवालों का जवाब एक जगह एक ही समय पर उपलब्ध कराने का प्रयास करें। तो चलिए चलते हैं हम आज के इस सेशन में, जहाँ पे हम आपके सभी सवालों के जवाब दे पाएँ, सभी सवालों के बारे में बता सकें। आपके सामने जो यहाँ पे ये दिख रहा होगा डैशबोर्ड, शायद की क्या क्या चीज़ें आवेदन कब करना है, तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं उन सभी को ये पता हो गया होगा कि आवेदन, जैसे अगर हम आवेदन की हम बात करें तो यहाँ पर आवेदन प्रारंभ हो चुका है 9 जून से ही, और सबसे बड़ी चीज़ें अंतिम तिथि, तो ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि अगर फेज वन की बात करें तो 3 तारीख, मतलब हर हाल में आपको 3 जुलाई तक आवेदन पूर्ण कर लेना है, और ऑनलाइन आवेदन 2 जुलाई से सबमिट करने की तिथि 9/7 है, मतलब सर्वर सही हो ना हो इसलिए इस माह में जून माह में ही आप कोशिश करिएगा कि आप अपने आवेदन को पूर्ण करने का। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये जान लें कि जून में ही आवेदन को पूरा करना है। दूसरी बात, कितने पद हैं, तो यहाँ पर विज्ञप्ति 1/2022 के माध्यम से प्रदेश के सहायता, अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसे मेरी फोटो आ रही है तो मैं इसे हटा देना चाहूँगा ताकि आपको और अच्छे से समझा सकूँ, एक एक बात एक एक छोटी छोटी बातें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे और आपके सामने ही आता है कि इसमें कुल 3539 पद वर्गवार है, इसमें बालक और बालिका। अब देखिए बालक और बालिका वर्ग क्या होता है, आपके मन में भी ऐसे सवाल आ रहे होंगे कि सर ये बालक वर्ग क्या होता है, सर ये बालिका वर्ग क्या होता है, आइए इस विषय पर हम लोग भी चर्चा करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं इनमें क्या मतलब होता है। देखिए जो बालिका वर्ग होता है, अगर हम गर्ल्स की बात करें तो जो बालिका वर्ग होता है, ऐसा नहीं है कि इसमें केवल बालिका ही आवेदन कर सकती है, इसमें आपको पद कम मिलेगा, तो जो बालिका होती है ये बॉयज में भी आवेदन कर सकती है। अगर हम बात करें कि अगर हम बॉयज की बात करें तो गर्ल्स बॉयज में आवेदन कर सकती है, गर्ल्स जो है ये बॉयज में आवेदन कर सकती है, लेकिन बॉयज जो है ये गर्ल्स में आवेदन नहीं कर सकते, यह बात आप यहाँ जानते होंगे। कुछ लोग, कुछ ऐसी महिला होंगी जिनको डर लग रहा होगा, अरे हम कैसे आवेदन कर पाएंगे, हम तो गर्ल्स हैं, गर्ल्स में सीट कम है। जी नहीं, अगर आप बालिका है तो बालक वर्ग में भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अगर बालक है केवल आपको बालक वर्ग में ही आवेदन करना है। आइए केवल ऑनलाइन आवेदन जो है वो आगे देखते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं, हम केवल उन्हीं टॉपिकों को बात करेंगे जहाँ से आपकी परीक्षा में के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे जो है ऑनलाइन आपको आवेदन करना है, यहाँ पर अगर हम बात करें TGT की, हम केवल TGT की बात करेंगे, प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा, यद्यपि एक से अधिक अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। जैसे हो सकता है किसी को SST है, सोशल है, और साथ ही साथ वही व्यक्ति वो आर्ट से भी देना चाहता है, तो अलग अलग 2 आवेदन उन्हें करने होंगे, यह बात जानते रहिएगा। ऐसा नहीं एक ही में हो जाएगा, माने प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन होगा, यह भी आप लोग पहले से ही जानते होंगे। इसके अलावा और आगे चलते हैं कि यहाँ पे जो TGT है पद मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, लिखित परीक्षा ऋणात्मक अंक नहीं, मतलब यहाँ पे एक बात साफ हो गई, इसमें निगेटिव अंक नहीं, आप लोग को शायद 2-3 बातें स्पष्ट हो गई होंगी, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नकारात्मक अंक नहीं है, एक बात क्लियर हो गया।
निगेटिव मार्किंग नहीं है, केवल लिखित परीक्षा होगी, माने इंटरव्यू नहीं होगी, माने इस टीजीटी का एग्जाम केवल होगा। एग्जाम दीजिए, उसके बाद आप उसी आधार पर मेरिट बनेगी और आपको नियुक्ति पत्र ही से मिल जाएगा, माने इसी के आधार पर आपको नियुक्ति पत्र मिला। माने टीजीटी में अगर आपने बेहतर मेहनत किया और अच्छे से अपने परीक्षा में स्कोर किया तो आपको आसानी से यहाँ पर नौकरी मिल सकती है। अब यहाँ पर भाषा की बात करते हैं, कुछ लोग के मन में आता है भाषा को लेकर, अब कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा, शायद आप भी जानते होंगे। अगर भाषा संबंधी प्रश्न पत्र की बात करें तो उसी भाषा में कौन कौन होंगे, जैसे हिंदी, हिंदी केवल हिंदी में ही होगा, वो उसके अलावा उसमें कोई भाषा नहीं होगी, हिंदी हिंदी में होगा। संस्कृत प्रश्न पत्र संस्कृत, माने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, माने अगर हम बात करें हिंदी हुआ, हिंदी आपका, संस्कृत है आपका, इंग्लिश है आपका, उर्दू, ये सभी उसी भाषा में होंगे, बिलिंगुअल नहीं होंगे, मतलब ये है जिस भाषा में है उसी भाषा में उनका प्रश्न होगा, यह बात पूरी तरह से जानते रहिएगा। किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए मान्य, मतलब अगर आप यूपी के निवासी तभी आपके लिए मान्य है। अगर EWS की बात की जाए, अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण का प्रावधान, मतलब यहाँ पर EWS के अभ्यर्थियों को भी 10% आरक्षण का प्रावधान है, और ये आप कब तक डेट है ये तब जानते हैं। यहाँ पे आवेदन की कोई वास्तविक प्रतिलिपि हार्ड कॉपी चयन बोर्ड को देखिए, पहले क्या होता था, आवेदन करने के बाद उसकी जो प्रतिलिपि होती थी उसे हार्ड कॉपी के रूप में आयोग को भेजा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं, अब ऐसा नहीं करना है। अब इसके बाद और आगे चलते हैं, आवेदन कैसे होगा, यहाँ पे ये प्रक्रिया आप लोगों को पता ही होगा कि कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन होगा, फिर फीस का भुगतान होगा, फिर फॉर्म का सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे चरण क्या है, आप लोग रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद भुगतान करना है शुल्क का। अब यहाँ पे शुल्क के बारे में दिया गया है, अगर आप सामान्य हैं तो आवेदन शुल्क 700 रुपया है, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 750 रुपया, मैंने कुल आपको 750 रुपया पे करना है। EWS 450, मैंने 450 रुपया पे करना है। अन्य पिछड़ा वर्ग अगर हम बात करें 700 रुपया, 50 रुपये के साथ 750 रुपया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यहाँ पे 450 है और यहाँ पे 250 है। आगे इसके बाद यहाँ पे विकलांग के लिए है, मूल श्रेणी के निर्धारित शुल्क आधे का भुगतान करना है। महिला के लिए 1 से 5 तक, लेकिन उनकी मूल श्रेणी के अनुसार होगा, लेकिन 1 से लेकर 5 तक महिला जिसमें होंगी उसके लिए होगा। इसे अगर OBC महिला है तो 750 और EWS जनरल की महिला है 450। 1 से 5 तक लिखे तो उनकी मूल श्रेणी के अनुसार यहाँ पे होगा भोजपुर सैनिक के लिए। चलिए ये आपका हो गया तृतीय चरण, फॉर्म सबमिट होगा, फॉर्म सबमिट होने के बाद आपकी फोटो साइन ये सब तो सबमिट होगा ही होगा। उसके बाद आयु सीमा, जैसे कुछ लोग ये जानना चाहेंगे रिक्त पद क्या है, इस बारे में हम लोग बात करना चाहेंगे। माने 3539 पद के सापेक्ष होगा, इसमें विषयवार होगा, बालक वर्ग और बालिका वर्ग ये ध्यान देना होगा, इसमें 2 वर्ग होगा, बालक वर्ग भी होगा और बालिका वर्ग भी होगा, ये दोनों चीज जानते हैं। आगे देखते हैं आयु सीमा, 1 जुलाई 2022 को जिनकी आयु सीमा 21 वर्ष से कम होगी वो आवेदन नहीं कर पाए। जैसे कुछ लोग को लग रहा होगा कि उनका हाल ही में बीएड कंप्लीट हुआ है और वो चाह रहे आवेदन कर, लेकिन भी वो केवल 20 वर्ष की आयु उनकी पूरी हुई है, अगर वो उनकी आयु 20 वर्ष ही है तो ऐसे लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे, ऐसे लोग क्या होगा आवेदन नहीं कर पाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं इसके अलावा, ठीक है सब लोग ध्यान से देखिएगा, चीज़ें मैं स्पष्ट बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो और आगे हम देखते हैं इसके बारे में, तो हमने यहाँ देखा कि अगर जैसे कोई 20 वर्ष या ऐसे कह दें, अगर हम कोई 20 वर्ष अगर कोई जैसे अगर हम बात करें कि 20 वर्ष 7 माह का कोई व्यक्ति है क्या आवेदन कर सकता है, नहीं आवेदन कर सकता। अर्हता की तिथि क्या होगी, आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता तिथि मानी जाएगी, माने जिस दिन वो आवेदन कर रहा है। जैसे मान लीजिए किसी का 21 वर्ष आयु पूरी हो चुका है, 21 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन वह अभी उसका अंतिम वर्ष का जैसे परिणाम नहीं आया, चाहे BTC हो, मतलब BEd अगर हो, और कोई व्यक्ति BEd हो, मानते हैं कि उसका परिणाम नहीं आया, उसकी परिणाम अगर मान लीजिए 2 जून को आता है तो 2 जून को वो आवेदन करे, क्योंकि अंतिम जिस दिन वो आवेदन करेगा अंतिम तिथि, मैंने आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि से पहले उसके सारे जितने भी, चाहे वो BEd हो, BA हो, जितने भी अगर PGT की बात करें, MA हो, माने जितनी भी डिग्री होनी चाहिए उसके पास, जितनी भी योग्यता होनी चाहिए, वो आवेदन करने से पहले पूर्ण हो जानी चाहिए। मैंने एक एज एग्जाम्पल आपको बताने का प्रयास किया। अब बात करते हैं कि उसका वेतन मान क्या होगा, उसका जो ग्रेड पे होगा 4600 रुपये होगा, ग्रेड पे क्या होगा 4600 रुपये होगा, पे लेवल 7 ग्रेड पे है, वेतन मान 44900 से लेकर 142400 तक।
ठीक है, ये आप लोग जानते रहिएगा, दोनों बातें आप लोग को जानने के लिए अनिवार्य है। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपका TGT में सिलेक्शन होगा तो आपका वेतन क्या होगा, पहला वेतन क्या होगा, तब इसके बारे में हम आगे समझाएंगे, ये ग्रेड पे क्या होता है, पे लेवल क्या होता है, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश निवासी के लिए मान्य, मैंने आरक्षण जो होगा केवल 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 यूपी के नागरिकों के लिए मान्य। इसमें जो भी आरक्षण का प्रावधान दिया गया है वो DIS जो भी प्रत्येक जिले के उनके आधार पर हुआ है। क्षेत्रीय आरक्षण के अंतर्गत आने वाले भूतपूर्व सैनिक है, संतान संक्रांत है, दिव्यांगजन है, ये सब आते हैं। आगे चलते हैं, मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँ क्योंकि मूलभूत चीज़ों पर ही मैं बात करनी है, उन्हीं टॉपिकों पर जहाँ पर आपकी परीक्षा से जुड़ा हुआ बात है। एक आता है सवाल, परीक्षा केंद्र कहाँ का हो। सभी जनपद मुख्यालय पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। अभ्यर्थी कोई भी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है, जैसे विषयवार भी आवंटित किया जा सकता है, जैसे मान लीजिए गणित जौनपुर जिला हुआ, इतिहास लखनऊ हो गया, इलाहाबाद के लिए गृह विज्ञान हो गया, मतलब एक एग्जाम्पल मैंने दिया, और प्रत्येक जिले में भी हो सकते हैं, ये वहाँ पे मुख्यालय तय करेगा। उसी समय परीक्षा केंद्र, समय सारणी, अनुक्रमण आदि की सूचना उसी समय दी जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा प्रवेश पत्र में अंकित केंद्र अलग केंद्र विषय परीक्षा देता है तो उसकी उत्तर पुस्तक का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, उसका मतलब कुछ अलग से देना चाहते हैं तो आप पहले से जानते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना होगा, भर्ती की जो प्रक्रिया है, भर्ती की प्रक्रिया केवल लिखित परीक्षा पर होगी, और यहाँ पर लिखित परीक्षा 500 अंक का होगा जिसमें कुल 125 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा, मैंने प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा, इसलिए कुल 125 प्रश्न होंगे और ये अंक जो होंगे 500 होंगे। इनका जो समय होगा ये 2 घंटे का होगा, मतलब हम यूँ कहें इस सब जो होगा 120 मिनट में 125 प्रश्न हल। गणित वालों में ज़्यादा दिक्कत होगी, गणित को सवाल हल करना पड़ेगा, लेकिन बाकियों को उतना दिक्कत नहीं होगी। परीक्षा जो होगा वो MCQ मॉडल पर होगा। अच्छा कैसे होगा, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 4 विकल्प होंगे, एक विकल्प का चयन करना होगा और उसमें काली स्याही बाल पेन का से काला करना होगा। अब सवाल है चयन हेतु मेरिट क्या होगा, वो मेरिट जो तैयार होता है आगे देखेंगे। इसके अलावा और क्या क्या चीजें आपको है, कोई भी पुरुष अभ्यर्थी किसी बालिका में अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परंतु यह बात संगीत विषय के लिए किसी नेत्रहीन अभ्यर्थी हेतु लागू है, मतलब संगीत विषय में अगर कोई नेत्रहीन व्यक्ति है तो वह व्यक्ति बालिका वर्ग में भी आवेदन कर सकता है, बाकी कोई भी व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकता। बालक बालिका मतलब कोई भी पुरुष बालिका में आवेदन नहीं कर सकता, करता है तो मान्य नहीं होगा। महिला अभ्यर्थी बालक एवं बालिका दोनों वर्गों में विद्यालय के लिए पात्र है, परंतु आवेदन पत्र में वांछित किसी एक वर्ग बालक या बालिका में ही यथास्थान उल्लेख करना होगा, माने तब वो चाहे बालक का चुनाव करे चाहे बालिका का, किसी एक विषय में एक समय में केवल एक ही वर्ग बालक या बालिका में आवेदन। जैसे मान लीजिए किसी को मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का नाम सोनिया है, अब सोनिया चाहती हैं कि वो बॉयज में भी आवेदन करें और गर्ल में भी आवेदन, तो किसी एक में आवेदन कर सकती है, चाहे वो गर्ल्स में आवेदन करे चाहे वो बॉयज में आवेदन करे, दोनों में वह आवेदन नहीं कर सकते। अगर वो चाहे कि दोनों आवेदन कर ले ऐसा संभव नहीं, वह केवल एक ही में आवेदन कर सकता है, चाहे वो बॉयज के लिए करें चाहे गर्ल्स के लिए, लेकिन कोई भी बॉयज गर्ल्स के लिए आवेदन नहीं कर सकता, लेकिन कोई भी गर्ल्स बॉयज के लिए आवेदन कर सकती है, यह बात ऊपर पूरी तरह से स्पष्ट होगी। प्रत्येक विषय एवं वर्ग के लिए पात्र एक ही आवेदन पत्र मानो, यदि किसी त्रुटि कारण एक से अधिक आवेदन किए जाते हैं तो जो अंतिम में आवेदन होगा वही मान्य होगा, उसके पहले के सारे आवेदन निरस्त माने जाएंगे, ये भी आप लोग जान लीजिएगा। ये मैं पूरा TGT के बारे में बता रहा हूँ। देखिए ऑनलाइन क्लास नोट संबंध अगर कोई जानकारी चाहिए उसके लिए मैं आगे आपको बताता हूँ। फिर से देखिए देखिए ऑनलाइन क्लास नोट्स के संबंध अगर कोई जानकारी ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर आप जानकारी कर सकते हैं, ठीक है। ये सभी आपके जनपद जौनपुर घर बैठे सभी नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं, सभी शॉर्ट नोट्स जो परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक प्रवक्ता पद की परीक्षाएं अलग अलग तिथि में संपन्न होगी, दोनों पद के अलग। जैसे यहाँ पे हो गया कि आपने TGD के लिए आवेदन कर दिया, आप चाहे तो PGT के लिए भी आवेदन, अगर दोनों में अर्हता आपकी है तो TGT PGT दोनों आवेदन कर सकते हैं, दोनों अलग अलग तिथि को होगी, यह बात आप जानते हैं, ऐसा नहीं एक ही तिथि को होगी, उसके आवेदन भी अलग अलग होंगे। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो दोनों के लिए योग्य हो, TGT के लिए भी PGT, तो ऐसा आवेदन कर सकता है।
भाषा विषयों के प्रश्न उसी भाषा में हो, हिंदी हिंदी में, संस्कृत अंग्रेजी अंग्रेजी, उर्दू उर्दू में, बांग्ला बांग्ला में, ऊपर मैंने बता दिया। किसी विवाद की स्थिति में निस्तारण है तो अभ्यर्थी सर्वप्रथम चयन बोर्ड में ही प्रत्यावर्तन देना। परीक्षा तिथि कब होगी? परीक्षा तिथि अभी घोषित नहीं है, लेकिन अगर परीक्षा की बात की जाए तो सितंबर तक ये संभावना है कि परीक्षा आपकी हो सकती है, अगस्त या सितंबर में। दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति जो आवेदन करने की अंतिम तिथि वांछित अनिवार्य रखते हुए परीक्षा में आवेदन के पात्र होंगे। आगे देखते हैं, ये सब चीज़ें आपने पढ़ लिया होगा, इन सब चीज़ों का उतना महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए, अभ्यर्थियों को ये कोई अड़ता है कि नहीं इसका निर्णय बोर्ड करेगा, क्या है EWS के बारे में। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, EWS को लेकर, ऐसे व्यक्ति जो EWS होने का दावा करते हैं उन्हें सूचित करना चाहिए कि इनके द्वारा आवेदन करते समय प्रमाण पत्र कर्मी भक्त अपने साधन द्वारा निर्धारित रूप से प्रारूप में है या नहीं, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट आपका उस समय जिस समय आवेदन करने जा रहे हैं उस समय वो पूर्ण हो चुका है अथवा नहीं। यहाँ पे देखिए, ये प्रारूप क्या है, जाति प्रमाण पत्र क्या है, अगर हम बात करें अनुसूचित जनजाति का या CST के लिए प्रमाण पत्र क्या होगा, और OBC के लिए इस तरह से होगा, और उत्तर प्रदेश विकलांग के लिए अगर देखा जाए तो प्रमाण पत्र है विकलांग के लिए, स्वतंत्र सेनानी के लिए, अगर किसी को अगर खेलकूद से है तो उसके लिए यहाँ पे अलग आरक्षण का प्रावधान है उसके लिए। अब आते हैं हम लोग एक बार पद का विवरण देखेंगे। जी हाँ, पदों की बोरा में हम लोग कुछ चीज़ें देख लेते हैं जैसे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे सबसे ज़्यादा पद कहाँ से है। अगर हम यहाँ पे देखें कि सबसे ज़्यादा पद कहाँ से है, तो सबसे ज़्यादा पद अगर देखा जाए इंग्लिश में, उसमें जनरल में 275 है, OBC में 176 है, SC में 79, ST में केवल 1 पद, कुल 511 पद है जो सबसे ज़्यादा है, मतलब सर्वाधिक पद की अगर हम बात करें तो कुल 511 पद सबसे ज़्यादा इंग्लिश में है, और दूसरे स्थान पर हिंदी में। अगर हम ये बात करें तो सबसे ज़्यादा पद हमें भाषा में ही मिलते हैं, लैंग्वेज में ही मिलता है। यहाँ पे भी देखा जाए 294 हिंदी में जनरल के हैं, 125 OBC के, मतलब हम ये कहें कि OBC में यहाँ पे पद कम है, और SC की बात करें तो यहाँ पे 89 यहाँ पर 89 ठीक है 89 की अगर हम बात करें तो 89 जो पोस्ट वो SC के लिए, ST के लिए केवल 1, मैंने यहाँ पे भी देखा OBC में पद कम है। अगर हिंदी की बात करें OBC काफ़ी पद कम है, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो OBC के होंगे लेकिन आवेदन जाके जनरल में करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं गणित, उसके बाद अगर कोई विषय है तो जिस पर सबसे ज़्यादा पद है वो है आपका गणित विषय। गणित विषय में OBC में 147 है, 296 जनरल में है, 65 SC में है और 508। मैंने अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पद आपको गणित विषय में देखने को मिलते हैं, अभी तक सबसे ज़्यादा पद गणित में है वो भी कितना, 296 पद जनरल में, टोटल 508। टोटल में देखा जाए 511 इंग्लिश में है, लेकिन सबसे ज़्यादा पद अगर देखा जाए जनरल कैटेगरी में तो वो आपको मिलता है गणित। ठीक है, अब आगे देखते हैं सामाजिक विषय, बहुत ही ज़्यादा अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपको सामाजिक विषय में मिलता है। देखिए, सबके जो नोट्स हैं वो आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं ई लर्निंग पर दुर्गेश के माध्यम से, सोमवार से सारे नोट्स जो है आपको मिलना शुरू हो जाएगा, और उसके लिए आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। नंबर मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, शायद आपको नंबर काम आ जाए, ये सभी आपको जनपद जौनपुर में अगर आप हैं तो जौनपुर से मिल सकते हैं, घर बैठे कहीं से पढ़ा सकते हैं। हाँ, मुझे जब समय मिलता है तो मैं आपको लिए पढ़ा देता हूँ, और बाकी जो YouTube पर क्लासेज होंगी मेरे द्वारा सभी निःशुल्क होंगी, देश में राष्ट्रीय में सोशल क्लासेज में आपको पूरी तरह से जो सोशल क्लासेज होंगी मेरे द्वारा आपको पूरी तरह से निःशुल्क यहाँ पर आप प्राप्त हो जाएंगी, इसके लिए आपको ज़रा सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी साथी देख रहे हैं वीडियो को, ये पूरी भली भांति जानते रहें कि यहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम आगे बात करते हैं, सामाजिक विज्ञान में 156 पद जनरल के हैं, OBC के 103 पद हैं और पूरा 337 पद है। उसके बाद संस्कृत की बात करें 191 पद है, ये तो पद का ब्यौरा आप सभी के पास पहले से होगा, इसमें कोई भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इसमें मुख्य चीज़ जो बताना था मैं वो बता दूँ, जैसे शारीरिक शिक्षा 98 पद जनरल में है, OBC में 40 है, SC में 19 और ST में 0 पद है, कुल 157 पद है। शारीरिक शिक्षा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, इसकी भी नोट्स आपको जल्दी ही लर्निंग विद्यूंगे इसके माध्यम से मिल जाएगी। एक होता है विज्ञान, एक होता है गृह विज्ञान, और इसमें एक होता है ज्योतिषी। इनमें क्या अंतर होता है यह मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट बताना चाहूँगा। अगर विज्ञान की बात करें तो यहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री होती है, विज्ञान में फिजिक्स और केमिस्ट्री है जो 285 पद, अगर हम बात करें तो गणित के बाद सबसे ज़्यादा जनरल में जो पद है वो आपको विज्ञान में मिलते हैं, ये बात याद रखिएगा, विज्ञान में, गणित के बाद विज्ञान में, और 135 पद OBC में है, कुल 499 पद। तो यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री वालों के लिए
जिनको गणित से डर लगता है उनके लिए एक आसान सा विकल्प होगा उनके लिए चूज करना कि वो विज्ञान। लेकिन अगर हम जब जो विज्ञान की बात करते हैं इसमें बायोलॉजी, अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पर बायोलॉजी और जूलॉजी, यहाँ पे दो आते हैं। मैंने साइंस में अगर विज्ञान में बात करते हैं जूलॉजी और बायोलॉजी होता है, इसमें कुल 37 पद, मतलब यहाँ पे पद क्या आपके कम है, जनरल 37 से ओबीसी के 8 है और एससी के 4 पद, कुल यहाँ पे 49 पद है। वाणिज्य है, आप देखेंगे यूपी एक ऐसा राज्य है जहाँ पे आपको वाणिज्य कॉमर्स के भी पद आपको देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा जनरल के ही पद है। संगीत ज्ञान की अगर हम बात करें तो संगीत ज्ञान में आपके 6 पद हैं जनरल के, ओबीसी में एक भी पद नहीं है, एससी में एक, तो मैंने जो ओबीसी के वो जनरल भी आवेदन करेंगे। उर्दू में 6 पद हैं, 12 पद हैं, 6 जनरल 6 ओबीसी। संगीत वादन में 2 पद हैं, 2-2-4 पद, 2 एससी में 2 जनरल में 4 पद। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे पूरा जो ग्राफ था, एग्रीकल्चर कृषि की हम बात करें तो यहाँ पे 23 पद जनरल से है, 15 ओबीसी से, 8 एससी से, यहाँ पे टोटल आपके 47 पद हैं। तो ये पद का जो दौरा है, पद के बारे में ये आप लोग पहले से जान रहे थे। इनके बारे में जैसे कोई विषय हो सकता है कोई इसमें से एक या एक से अधिक विषय में भी अपनी योग्यता रखता हो, उसके लिए वो अलग अलग आवेदन करेगा, एक ही आवेदन मान लेंगे। यदा कदा कभी कभी अलग अलग दिन विषय की परीक्षा होती है, अगर एक ही समय हो रही तो किसी एक में ही आप परीक्षा दे पाते हैं, दूसरे में आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे। इस प्रकार हमने देखा अगर कुल पदों की बात की जाए तो यहाँ पर जनरल के कुल 1840 पद हैं, ओबीसी के 866 पद हैं, एससी के 503 पद हैं, एसटी के 4, टोटल कुल 3213 पद हैं। ये बालक वर्ग है, ये बॉयज वर्ग है। यहाँ पर अगर हमने देखा तो ये कौन सा वर्ग है, ये हम लोगों ने बालक वर्ग देखा, माने इसमें महिला भी आवेदन कर सकती हैं और पुरुष भी आवेदन कर सकते हैं, माने इसमें बॉयज भी आवेदन कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है, इस वर्ग में बालक भी आवेदन कर सकते हैं और गर्ल्स दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं, दोनों आवेदन के पात्र होंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ, जो बालक वर्ग है इसमें दोनों वर्ग आवेदन कर सकता है, बालिका वर्ग भी और बालक वर्ग भी। और आगे हम लोग देखते हैं अब यहाँ पे हम अब बालिका वर्ग देखने जा रहे हैं, इसमें केवल केवल गर्ल्स ही आवेदन कर सकते हैं, बॉयज आवेदन नहीं कर सकते। इसमें भी इंग्लिश के 36 पद जनरल के, टोटल आपको 46 पद मिलते हैं, हिंदी में इंग्लिश हिंदी में आपके 33 पद हैं, टोटल 48 पद हैं, ओबीसी में 6 है आपके 13 है, एससी के 4 और 2 है, गणित में यहाँ पे 17 पद है, बालिका वर्ग में यहाँ पे 17 पद है, सामाजिक विज्ञान में 28 है, संस्कृत में 18 है, शारीरिक शिक्षा में, मतलब अगर टोटल देखा जाए तो गणित में 25 है, सामाजिक विज्ञान में 46 है। मतलब यहाँ पे अब देखें तो जनरल को 28 और ओबीसी को 17, मैंने अगर सामाजिक विज्ञान में देखा जाए तो ठीक ठाक स्थिति है, लेकिन सबसे ज़्यादा भाषा में ही है, उसके बाद गणित में है। शारीरिक शिक्षा में अगर देखें तो 13 है, संस्कृत में 27 है, विज्ञान में 1, इस विज्ञान में क्या होगा फिजिक्स और केमिस्ट्री होगा, गृह विज्ञान में कुल 40 है, कला में 11 है और कुल 16 पद हैं, टोटल 16 है। जनरल की मैं बात करूँ यहाँ पे, ओबीसी में 5 पद हैं आपके, संगीत गायन में 12 पद हैं, एक पद ओबीसी का है केवल, एससी का 3, कुल टोटल यहाँ पे 16 पद है। जीव विज्ञान में जनरल कोई पद नहीं है, केवल ओबीसी पद है, उर्दू में केवल ओबीसी है महिला में, और संगीत वादन में कुल 6 पद है, 3 जनरल 2 ओबीसी और 1 एससी। इस प्रकार कुल यहाँ पे हम लोगों ने देखा कुल यहाँ पर कितने हैं 326 पद। अगर हमें पद की बात करें तो जो कुल पद है वो कितने हैं, वो कुल 326 पद, कितने पद हैं कुल 326 पद। ओबीसी 83, जनरल 212, 31 एसटी के 0 पद। इसके बाद अब हम आगे बात करेंगे कॉम्बिनेशन जो होता है वो कैसे होता है। ठीक है, ये आपको सभी चीज़ें मिल गई होंगी, आपके मन में आ रहा होगा सर ये जैसे नोट्स अगर आपको प्राप्त करना होगा तो क्या करेंगे, सभी लोग टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करेंगे, सर्च करेंगे दुर्गेश, जैसे दुर्गेश्वर सर्च करेंगे ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, सभी क्लास नोट्स आपको पूरी तरह से निःशुल्क मिल जाएगी, घर बैठे आप सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, इस चैनल को लाइक करिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। अब आइए हम देखते हैं ये जो है, अगर हम बात करते हैं TGT के लिए तो ये क्लास 9th और 10th के, अगर आप सरकारी अध्यापक या अध्यापिका बनते हैं बालक वर्ग या बालिका वर्ग में, तो आप केवल 9 और 10 के लिए ही पात्र होंगे, केवल कक्षा 9 और 10 के लिए ही पात्र होंगे। और ये
अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में। आइए इनकी कुछ योग्यता जो है उनको देखते हैं। सबसे पहले हिंदी भाषा की देखते हैं, विषय आपका हिंदी है। इनमें सबसे ज्यादा अनिवार्य, अगर अनिवार्य की बात करें तो हमेशा की तरह इस बार भी जो बीएड है वो आपका अनिवार्य है। बीएड क्या आपका अनिवार्य है, बीएड आपके लिए अनिवार्य। यहाँ पे और अन्य क्या है, बीए में हिंदी संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा में बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री, जैसे मतलब बीए में आपकी हिंदी और संस्कृत के साथ या इंटरमीडिएट अथवा अन्य समकक्ष परीक्षा जो बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री होनी चाहिए आपके पास। बीए हिंदी और संस्कृत विषय के साथ अथवा समकक्ष परीक्षा जो बीएड या अन्य समकक्ष परीक्षा, मैंने याद रहे इसमें अगर हिंदी से देने जा रहे हैं आप ग्रेजुएशन में आपके साथ कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हिंदी और संस्कृत दोनों होने चाहिए, यानी आपका हिंदी और संस्कृत दोनों आपने पढ़ा। अगर आपको अधिमानी अर्हता चाहिए अगर वरीयता मान है तो उसमें बीएड में एमएड है पीएचडी है किसी राष्ट्रीय स्तर खेल को प्रतियोगिता में अगर आपने कोई प्रमाण पत्र प्राप्त किया तो उसके लिए अलग से बैठे आपको मिलेगा। तो हिंदी का था कुछ लोग के मन में था सर हिंदी में मैं आवेदन कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, उसके बारे में यहाँ पे आपको मैंने स्पष्ट बता दिया और ये पूरा विज्ञप्ति में स्पष्ट है भी। अब हम बात करते हैं गणित। अगर हम गणित की बात करें तो गणित में बीए अथवा बीएससी गणित में होना चाहिए। अगर आप टीजीटी के लिए देने जा रहे हैं तो वहां पर आप चाहे बीए चाहे बीएससी इन दोनों में आप गणित पढ़े हो और बीएड के पास आपकी डिग्री होनी चाहिए क्योंकि बीएड सबके लिए अनिवार्य। बाकी तो ऊपर वही है बीएड एमएड उसके लिए अलग से आपको अधिमान मिलेगा। हम बात करते हैं गृह विज्ञान की। गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र, होम इकोनॉमिक्स या घरेलू विज्ञान, डोमेस्टिक साइंस या गृह कला या होम आर्ट में प्रशिक्षित स्नातक या बीएड यहाँ भी अनिवार्य होगा। गृह विज्ञान महाविद्यालय इलाहाबाद का टीसी होना चाहिए, लेडी रिविल कॉलेज दिल्ली का डिप्लोमा, भारतीय विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि हो, मतलब स्नातक हो गृह विज्ञान। उसके अलावा ये आप तो जानते ही। उर्दू की बात की जाए, बीएड उर्दू विषय से तथा एलटी या बीटी बीएड अन्य समकक्ष परीक्षा शिक्षा में डिग्री आपके पास होनी चाहिए, बाकी बीएड इसमें भी अनिवार्य है आपके लिए या उसके कोई समकक्ष डिग्री। अंग्रेजी, बीए अंग्रेजी साहित्य सहित, मतलब अगर आपने बीए किया है तो उसमें अंग्रेजी हो। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज में त्रिवर्षीय स्नातक कोर्स अंग्रेजी भाषा के साथ साथ, मैंने आपको अन्य भाषा के साथ साथ अगर आपने अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपके लिए बीएड क्या है अनिवार्य, यहाँ पे भी क्या होगा बीएड आपके लिए अनिवार्य। अब बात करते हैं संस्कृत के लिए, तो संस्कृत के लिए ध्यान देना होगा, आप सभी को जानना भी होगा कि बीए संस्कृत सहित एलटी या बीए बीटी बीएड में समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण डिप्लोमा हो, वाराणसी संस्कृत विद्यालय द्वारा शास्त्रीय आचार्य उपाधि के साथ एलटी या बीटी अन्य कोई शिक्षण डिप्लोमा हो आपके पास। दूसरी चीज बीएड यहाँ पर भी आपके लिए अनिवार्य है। वाणिज्य की बात करें, वाणिज्य का मतलब यहाँ पे कॉमर्स है, यहाँ पे आपके पास बी कॉम होना चाहिए साथ में बीएड होना चाहिए। कृषि की बात करें तो बीएससी कृषि एग्रीकल्चर से होना चाहिए आपका, ठीक है। और साथ ही साथ राजकीय, अगर हम कृषि की बात करें, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, राजकीय कला शिल्प कला लखनऊ मार्ट, अच्छा ये कला के लिए, ये देखिए कला के लिए, कला के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। टीचर सर्टिफिकेट कहलाता है जो पहले ड्राइंग होता है ना आर्ट, लखनऊ का आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हो, या प्राविधिक कला के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद इंटरमीडिएट की परीक्षा हो, प्राविधिक कला के साथ हाई स्कूल परीक्षा इसमें कोई योग्य होता है जैसे ड्राइंग अथवा पेंटिंग के साथ बीए हो, कला भवन शांति निकेतन अथवा फाइनल आर्ट का डिप्लोमा हो, राजकीय ड्राइंग और हैंडीक्राफ्ट सेंटर इलाहाबाद का सर्टिफिकेट हो, कलकत्ता की फाइनल ड्राइंग या टीचर्स की परीक्षा हो, लाहौर में मी स्कूल ऑफ द आर्ट्स टीचर सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा हो, मुंबई की इंटरमीडिएट बॉम्बे आर्ट ग्रेड ड्राइंग परीक्षा हो, मुंबई के थर्ड ग्रेड आर्ट परीक्षा हो। तो ये अलावा यहाँ पर ये कुछ टिप्पणी भी दी गई है, ए और दो के अंतर्गत इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक है, परंतु यदि उसे परीक्षा में प्रावधिक कला के लिए जाने का प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो तो उसके स्थान पर उस स्तर की प्रावधिक कला के ज्ञान का प्रमाण स्वीकार किया जा सकता है। बालिकाओं को किसी संस्थानों के अध्यापकों को प्रावधिक कला की योग्यता की छूट देगी, मैंने बालिका को चाहे वो बालिका में आवेदन करे चाहे बालक। तीन में क्या दिया गया है,
हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक है, परंतु यदि उस परीक्षा में प्रावधिक कला के लिए जाने का प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो तो उस स्थान पर उस स्तर की प्रावधिक कला के ज्ञान का प्रमाण पत्र स्वीकार किया जा सकता है। बालिकाओं की संस्थाओं अध्यापकों को प्रावधिक कला की योग्यता में छूट दी जाएगी। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी बीएड आपके लिए अनिवार्य है। लेकिन कला के लिए अगर हम बात करें तो कला के लिए बीएड अनिवार्य नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें कला के लिए तो यहाँ पे बीएड जो है यह अनिवार्य नहीं है। आपके पास बीएड हो या ना हो, अगर आपके पास ये डिग्रियाँ हैं, देख लीजिए आपके पास इसकी पीडीएफ होगी, नहीं होगी तो आयोग की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर। अब आती है इस बात शारीरिक शिक्षा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा इंटरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता है राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा सीपीएड प्रमाण पत्र अथवा उसके समकक्ष कोई अर्हता हो, सीपीएड प्रमाण पत्र अन्य समकक्ष प्रमाण पत्र यहाँ पर अनिवार्य और बाकी के लिए अधिमान तो यहाँ पे आपको पता ही होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे विज्ञान की, विज्ञान में देख लेते हैं भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के साथ बीएससी, भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के साथ आपकी बीएससी हो। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया भौतिक और रसायन, यहाँ पे साइंस का मतलब है ये, और साथ में बीएड भी आपका होना चाहिए। अब विज्ञान के साथ यहाँ पे आपके सामने आता है जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान में क्या होगा, वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, ठीक है, और साथ में वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी और बॉटनी। यहाँ पे भी आपके साथ बीएड होना अनिवार्य, ये दोनों विज्ञान में अंतर मैंने ऊपर ही स्पष्ट कर दिया था, यहाँ पे आपको और समझ में आएगा। सामाजिक विज्ञान में चार विषय होंगे, यहाँ पे बीएड होना अनिवार्य है, हो सकता है कोई इतिहास शास्त्र राजनीति शास्त्र ले ले, लेकिन बीए में किन्हीं दो विषय आपके साथ हो, भूगोल साथ अर्थशास्त्र ले सकते हैं, इतिहास साथ भूगोल हो सकते हैं, राजनीति शास्त्र के साथ अर्थशास्त्र ले सकते हैं, राजनीति के साथ भूगोल, इतिहास के साथ भूगोल, ठीक है, आप चाहें किसी दो विषय का यहाँ पे चयन कर सकते हैं, केवल दो, आप इनमें से किसी दो विषय का चयन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं मान लीजिए भूगोल चयन कर सकता हूँ, शास्त्र भी चयन कर सकता हूँ, भूगोल राजनीति शास्त्र भी, भूगोल इतिहास भी, ठीक है, इसमें से मैं कोई भी एक चयन कर सकता हूँ, इसके लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं। अब आगे देखते हैं संगीत गायन, तो इसमें माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा तो समकक्ष परीक्षा निम्नलिखित में से कोई एक परीक्षा होनी चाहिए। और देखिए भातखंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ संगीत से विरासत परीक्षा हो, प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद के संगीत प्रभाग का परीक्षा हो, गंधर्व महाविद्यालय बम्बई की संगीत विरासत परीक्षा हो, माधव संगीत विद्यालय ग्वालियर की फाइनल परीक्षा हो, यहाँ पर भी आपके लिए बीएड अनिवार्य नहीं संगीत गायन में। तो ये चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पर भी बात करें अगर हम संगीत गायन में तो यहाँ पर भी बीएड आपके लिए अनिवार्य नहीं है, अभी बीएड आपके लिए अनिवार्य नहीं। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे बाकी जो सारणी थी वो आपने देख लिया कि सभी अधिमान योग्यता आपके लिए क्या क्या होनी चाहिए, तो एक बार आप लोग इसको पूरा देख लीजिएगा, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो कोई प्रश्न हो तो हमसे जरूर पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करूँगा मैं आपके सभी सवालों के जवाब लाइव देने का, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल और केवल आपका सिलेक्शन है और हम आपके सिलेक्शन के लिए यहाँ पे जुड़े हुए हैं और पढ़ा रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि आप जिस तरह से पढ़ रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, उस हिसाब से अगर लगे रहेंगे, लेकिन मानिए आपको सिलेक्शन से कोई भी रोक नहीं पाएगा, और हमारा भी उद्देश्य यही है कि आप सिलेक्शन के करीब पहुँचें। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो कोई डाउट हो, यहाँ पे देखिए इसका भी चाहे तो आप स्क्रीन शॉट रख सकते हैं, कोई भी मन में अगर आपके सवाल आ रहा हो तो आप बेहिचक आप पूछ सकते हैं, हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। आपके मन में इसके अलावा कोई प्रश्न हो कोई सवाल हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। इसके बाद हम एक अगली वीडियो लेकर आएंगे जहाँ पर हम आपको पीजीटी के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे, कौन आवेदन कर सकता है, इसके लिए क्या योग्यता है, बालक वर्ग क्या है, बालिका वर्ग क्या है, सभी की हम जानकारी आपको पूर्ण रूप से देंगे। इसके बाद एक अगली वीडियो आएगी और यह वीडियो इलर्निंग विद दुर्गेश के फेसबुक पेज, इलर्निंग विद दुर्गेश के यूट्यूब चैनल दोनों पर मिलेगी। इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, साथ ही साथ ऑनलाइन क्लास नोट्स संबंध अगर कोई जानकारी चाहिए तो घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास ये नंबर हो, सोमवार से आप सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पे दो नंबर आपको दे रहे हैं, ये सभी क्लासेज आपके जनपद जोधपुर से चल रहे हैं। और आपको नोट्स चाहिए फ्री में आप डाउनलोड करना चाहिए तो इलर्निंग विद दुर्गेश का ऐप डाउनलोड करिएगा जो प्ले स्टोर पर है,
साथ ही साथ टेलीग्राम पर आप दुर्गेशर सर्च करिएगा, ई लर्निंग विद दुर्गेश के सभी क्लास और नोट्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, कोई भी सवाल हो, पूछेगा, ये सारी जो चीज़ें मैंने बताई हैं पूरा TGT के लिए था। इसके बाद की जो अगली वीडियो आपकी आएगी, नेक्स्ट वीडियो, वो हम आपके PGT से देंगे। उसके बाद हम प्रत्येक वीडियो आपके जो सिलेबस है, जो आपकी परीक्षा का सिलेबस है, उस सिलेबस के आधार पर क्रमारूप से एक एक करके लेके आएंगे और ये बताएंगे कौन कौन सा विषय चुनना क्लास आने से, सोशल में कौन सा विषय आप सही पड़ेगा, चार में से कौन सा दो सही होगा चुनना, आप बताइए निम्नलिखित में से किस से आप किस विषय से पेपर देने जा रहे हैं। और कोशिश करिएगा कि खुद से पढ़ने का समय आपके पास कम है, अगर नोट्स मिल जाएगा द्विवेस्ट है, नोट्स से भी पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन क्लास भी से पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे सही आपको पड़ेगा कि समय कम है, प्रैक्टिस सेट ज़्यादा ज़्यादा सॉल्व करें और नोट्स को ज़्यादा ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि समय कम है, आप इससे ज़्यादा कोई बेहतर तैयारी का जरिया नहीं बता सकता। आप लोग इस वीडियो को अपने साथी मित्रों को शेयर करिएगा, कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आप सभी का थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमार, जी हाँ, अभी की बार एक सीट हमार और एक सीट हमार के लिए आप भी और हम दोनों भी मिलकर पढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। शेयर कर दीजिए, पैसे नहीं लगेंगे आपको। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप भी अब की बार टेट पार करने की तैयारी कर रहे हैं? चाहे कोई भी हो परीक्षा, अब टेट, सी टेट, रीट, MPTET आदि सभी राज्यों की परीक्षा के सिलेबस के आधार पर हम आपके लिए लाए हैं सारे विषयों की महत्वपूर्ण नोट्स, स्टेट, NCERT और प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर डिजाइन किए गए हैं, ताकि इस बार आपका सरकारी शिक्षक या शिक्षिका बनने का सपना साकार हो जाए। अब की बार टेट पार, सुपर टेट, KVS और रीट मेंस एग्जाम के नोट्स भी उपलब्ध हैं। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और PDF नोट्स भी अवेलेबल हैं। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 6306344367, 7355179012 या 7398883002 पर। एड्रेस जौनपुर, UP। क्या आप भी सरकारी शिक्षक